तो बताया गया है कि जब महाकाली और गुरु गोरखनाथ के बीच में भयंकर युद्ध होता है, दोनों की शक्ति महान होती है, पूरा ब्रह्मांड थरथर कांपता है इनकी शक्तियों को देख करके। तो एक भजन के माध्यम से क्या बताया, सुनेगा बड़े प्रेम से। ओ चंडी महाकाली गुरु गोरख तप धारी, अमर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी, दोनों में युद्ध हुआ घमासान। चंडी महाकाली गुरु गोरख तप धारी, चंडी महाकाली गुरु गोरख तप धारी, अंबर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी, अंबर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी, वो दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ घमासान। युद्ध भारी देवों का दिल हाल जी, देख के इनका युद्ध भारी देवों का दिल हाल जी, बड़े भयंकर आपस में अस्त्र शस्त्र चाल जी, शक्ति कांटे माँ काली की गुरु गोरख जी विद्वान। चंडी महाकाली गुरु गोरख तप धारी, अंबर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी, दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ मक्खी बन के काली चली झुकाने को, नरभक्षी मक्खी बन के काली चली झुकाने को, नाक द्वारा गई अंदर लगी कलेजा खाने को, नाक द्वारा गई अंदर लगी कलेजा खाने को, तोड़ दिया अभिमान। चंडी महाकाली गुरु गोरख तप धारी, अंबर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी, दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ घमासान। अग्नि का संचार किया, गुरु गोरख ने हृदय में अग्नि का संचार किया, अग्नि तपना सह पाई माता को लाचार किया, अग्नि तपना सह पाई माता को लाचार किया, हाथ जोड़ के लगी
से समाधान। चंडी महाकाली गुरु गोरख तपधारी, अंबर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी। दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ घमासान। काली को तीन वचन भरवा के ने, बाहर निकाला माँ काली को तीन वचन भरवा के ने। गोरख की शक्ति जानी माने अंदर जाके ने, गोरख की शक्ति जानी माने अंदर जाके ने। अपनाया फिर हो गई अंतर ध्यान। चंडी महाकाली गुरु गोरख तपधारी, अंबर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी। दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ घमासान। बाजी दिल से सदा निभाए हैं, पूजा सतीश ढूंढ बाजी दिल से सदा निभाए हैं। संज से मारिय सिद्ध गाथा दुनिया को बतलाए हैं, संज से मारिय सिद्ध गाथा दुनिया को बतलाए हैं। सुन के गाथा सब नर नारी करने लगे गुणगान। चंडी महाकाली गुरु गोरख तपधारी, अंबर में टकरावे दोनों की शक्ति भारी। दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ घमासान, दोनों में युद्ध हुआ घमासान।